नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ग्वार के भाव में एक बार फिर से भारी उछाल आने की संभावनाएं बन रही है। मीडिया सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 10 दिन बाद एक बार फिर से ग्वार के भाव तूफान मचाएंगे। ग्वार में कब और कितनी तेजी आ सकती है और अमेरिका और चीन में कितनी मात्रा में ग्वार गम की मांग है और इसके चलते भारतीय ग्वार बाजार पर क्या होगा असर, इसके बारे में बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। किसान भाइयों, यदि आप रोजाना ग्वार के ताज़ा मंडी भाव जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल फार्मिंग दोस्त से भी जरूर जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मंडी में ग्वार के भाव कब तेज होंगे इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रही हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के निशान को भी दबा लें। किसान भाइयों, ग्वार के भावों में एक बार फिर से तूफानी उछाल आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो इस बार ग्वार के भाव पहले से भी ज्यादा तेज होने की उम्मीद है और ग्वार का भाव 20,000 से 25,000 के बीच कारोबार कर सकता है। सूत्रों ने बताया है कि इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन की ग्वार गम की भारी मांग का होना बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन ने ग्वार गम की अपनी मांग भारतीय कारोबारियों के साथ साझा कर दी है और 10 दिन के बाद इस मांग को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते 10 दिन बाद एक बार फिर से ग्वार के भाव तूफानी रफ्तार पकड़ सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अमेरिका ने लगभग 5 लाख टन और चीन में 3 लाख टन ग्वार गम की मांग होने की संभावना बन रही है, जिससे ये देश 2-3 भाग में भारतीय बाजार से उठाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यदि एक बार में इतनी मात्रा को पूरा किया जाता है तो इससे ग्वार सीड के भाव अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावना को देखते हुए 2-3 भागों में खरीद करने का प्लान बनाया जा रहा है। और मीडिया सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 10 दिन बाद अमेरिका और चीन को ग्वार गम की इस मांग का 1/3 भाग निर्यात किए जाने की उम्मीद है और इसके बाद लगभग 2 बार और ग्वार गम का निर्यात किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हमें ग्वार सीड और ग्वार गम की आने वाले दिनों में जानकारी मिलती है, हम आपको जल्द से जल्द सूचित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए देखते रहें द कृषि चौपाल। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय किसान।